डरते हैं, मोदी डरता है। क्यों नहीं जाने दिया हमको? क्यों नहीं जाने दिया? क्यों जाने दिया? ये जन विरोधी सरकार है। इस सरकार में महिलाएं, युवा, किसान, हर वर्ग परेशान है। मालूम नहीं पड़ेगा मोदी जी को? क्यों नहीं मालूम पड़ेगा? बीबी नहीं है, बच्चे नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, अभी कोई नहीं है ना, इसीलिए उसको मालूम नहीं पड़ेगी महंगाई। चीटर से चीटर, चीटिंग करे से चीटिंग। अम्बानी और खाली उनके घर भर रहा है, कुछ पुतली की तरह नाच रहा है, देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है, जुमले फेंक रहा है। मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहां पे आप महिलाओं की भीड़ देख सकते हैं, प्रदर्शन करने महिला उतरी थी भाजपा सरकार के खिलाफ। और यहां पे आप महिला देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेड तोड़ने के लिए वो यहां जा रही है, संसद की तरफ जा रहे थे, लेकिन जो महिला जो कर्मी है, महिला पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें रोका जा रहा है लगातार। जिस तरीके से भाजपा सरकार जो है महंगाई की मार से महिलाओं को परेशान कर रखा है, आप देख ही सकते हैं। हम साफ तौर पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से महिलाओं को है रोका जा रहा है बैरिकेड की। सवाल ये कि क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? देखिए डरते हैं, मोदी डरता है। तो आप किस तरीके से महिला की धक्का मुक्की हो रही है, जो महिला पुलिस है उनको जाने भी नहीं दे रही है आगे। किस तरीके से महिला आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं पर उन्हें जाने भी नहीं दिया जा रहा है। किस तरीके का व्यवहार जो है पुलिस कर्मियों द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, साफ तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। जो है महिलाएं बैरिकेड के ऊपर भी खड़ी हो चुकी है लेकिन उनको आगे जाने भी नहीं दिया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से जो है मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। देखिए आप किस तरीके से जो है जो महिला पुलिसकर्मी उन्हें आगे भी नहीं जाने दे रही है, लगातार जो है यहाँ पे प्रदर्शन जारी है भाजपा सरकार के खिलाफ। जिस तरीके की भाजपा सरकार जो है व्यवहार करती है महिलाओं के साथ, सही तरह जाते जाना, हमको बोलना ही जाना, कुछ करना थोड़ा था, मानना थोड़ा था, क्यों नहीं जाने दिया? क्यों है मोदी जी हो गया ना, महंगाई है, महंगाई इतनी है, इतनी महंगी है, जाएंगे जाएंगे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इस तरीके से जाएंगे हम तो, जाएंगे इतना क्यों घेराव दे रहे हो? फिर ऐसे करते खाना कुछ अच्छा देते नहीं हो लोगों राशन में, ऐसे राशन दे रहे हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं पैसा लेते गरीब के पास, हम जाते हैं पूछने के लिए, हम पूछने जाते हैं, हम पूछने जाते हैं, देश गुरु बना रहे हैं महिलाओं के साथ, महिलाओं का तमाम काम करते हैं। क्या काम किया बताइए? 5 किलो राशन चाहिए, हमें नहीं चाहिए, युवाओं को रोजगार दीजिए, महिलाओं की सुरक्षा दीजिए। देखा आप लोगों ने किस तरीके से जो महिला पुलिस कर्मी है धक्का दे रही है, इधर जाने भी नहीं दिया जा रहा उनको संसद की तरफ। ये जन विरोधी सरकार है। इस सरकार में महिलाएं, युवा, किसान, हर वर्ग परेशान है। आपने देखा होगा जो इन्होंने वादे किया, क्या एक भी पूरा किया इन्होंने? ये जन विरोधी सरकार है। अरे वो कह रही है महिला गरीब तबकों के लिए ही काम करते हैं वो। काम किया आगे पुलिस निकलनी चाहिए ना, क्या ऐसा क्यों किया? शांति से हमें जा रहे थे ना, हम हमको रिपोर्ट में आवाज उठा सकते हैं ना, बाहर उठा सकते हैं, तो यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है। पुलिस को आगे करता है, क्या काम किया? नोटबंदी की, कोरोना चलाया, महंगाई करी, डीजल पेट्रोल महंगा करा, गैस का दाम महंगा करा, क्या करा उनने? महंगाई हमको मालूम नहीं पड़ेगा मोदी जी को? क्यों नहीं मालूम पड़ेगा? बीबी नहीं है, बच्चे नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, अभी कोई नहीं है ना, इसीलिए उसको मालूम नहीं पड़ेगी महंगाई। इसे इतनी दिक्कत है, वोट क्यों देते हैं फिर, जिताते क्यों हैं? हम नहीं देते, अनभक्त अनभक्त, चीटर से चीटर, चीटिंग करे से चीटिंग। चीटिंग करके जीतते हैं वो, हाँ चीटिंग करके जीतते हैं। हम खुद लड़े थे बाडोली से, ईवीएम में घोटाला है, हाँ घोटाला है, घोटाला, हाँ घोटाला है, घोटाला है। अगर आपको आगे नहीं दिया जाएगा, आगे जाने ही नहीं दिया जाएगा, फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर हम और हम आगे जाएंगे, वैसे करेंगे, हमारी मैडम नीता जी जो आदेश देगी वैसे करेंगे हम।
आपको नहीं जाने दिया जाएगा आगे। इस तरीके से आप लोगों को धक्का मुक्की करके भगाया जा रहा है। अब हालत देखिए ना भाजपा सरकार में। मेरी बात सुनो, औरतों से डरते होंगे तो ही तो नहीं। मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ से पड़ेगा, कहाँ से पड़ेगा, वो तो अकेला है। फर्क तो हमको पड़ेगा, हमारे हमारे आदमी है, बच्चे है, सब है, इसलिए हमको पड़ेगा। महंगाई का हमको पड़ेगा, हमारा आदमी का केयर रह जाता है। बहनों बहनों करके एना बने भी नु बजट केयरो तो लो मंडली छे लूटे छे। पांच आपे ने दाल ले ले लूटते हैं, वो लूटते हैं। हां लूटते हैं। जो एमएलए झूठा डुप्लीकेट, जगत नागा डुप्लीकेट, दो मिला गुजरात में तो क्या करते हैं, सब डुप्लीकेट। और डाकोर में अंबाजी में घी डुप्लीकेट, प्रसादी डुप्लीकेट, जो जगह पे मंदिर में जाते हैं उधर भी वीआईपी हो तो तुम्हें आओ, नहीं तो जाओ लाइन में खड़े रहो। तो ये पैसा किसके पास जाता है? मंदिर में महादेव जी नहीं लेते होंगे? नहीं चाहिए राम मंदिर, नहीं चाहिए। जो बना रहे हैं वो आप ही लोगों के लिए बना रहे हैं। मैं राम मंदिर के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, राम मंदिर के लिए मैं हाथ जोड़ दी हूँ। मैं ऐसे भगवान के लिए कुछ नहीं बोलूंगी, मैं वो कुछ नहीं बोलूंगा। तो पैसा उसमें लगा दिया है, थोड़ी महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी अब। ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो मंदिर बनाया, मंदिर बनाया इसलिए महंगाई नहीं है, जनता ने पैसा दिया है। फिर क्यों महंगाई है? दो दोस्तों को यारों को बांटने में पैसा। कौन दो दोस्त? कौन धोनी अंबानी? और खाली उनके घर भर रहा है, पुतली की तरह नाच रहा है, देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है, जुमले फेंक रहा है। हिंदू धर्म का अर्थ तक पता नहीं है कि हिंदू राम राज्य क्या होता है, उसको मीनिंग भी पता नहीं है। उनका एजेंडा तो पहले से ही सेट था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप लोगों का फायदा कर रहे हैं। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमारे घर में राम मंदिर है, हमारे घर में माता पिता चारों धाम है, हमें मंदिर यही हमारे माँ बाप के वही राम। इंडिया में इतने मंदिर है ऑलरेडी पहले से, उसके जाने की हिम्मत हो तो वह जाए ना। केदारनाथ का सोना बेच के खा गया, वो राम मंदिर की बात करता है। अपने माँ के मरने के बाद मुंडन तक नहीं कराया, वो हिंदू धर्म की बात करता है। अपनी बीवी को लाके एक कह रहे हैं सबसे बड़ी जाति महिला है, महिला ही है, महिला ही परेशानी है, महिला को ही परेशानी है। जब जब धर्म की हानि हुई है और अधर्म का बोलबाला हुआ है, तब तक भारत में दुर्गा काली चंडी के रूप में, मानी लक्ष्मीबाई के रूप में महिलाओं ने अवतार लिया है, अपना रूप धारण किया है और हर अधर्मी को उखाड़ कर फेंका है। वही आज होने वाला है, या तो ये अधर्मी उखड़ के फेंकेगा या फिर भारत का पूरा सत्यानाश होगा जो पाकिस्तान में। मतलब लग रहा है ये आंदोलन और आगे जाने वाला है, वो अभी जाएगा। अगर 2024 में ईवीएम से चुनाव हुए तो ये 400 सीटें लेके आएंगे और ये 5 साल के बाद पूरा देश बर्बाद होने वाला है, या फिर महिलाओं की शक्ति के द्वारा ईवीएम है, ईवीएम बंद होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा और धर्म निरपेक्ष राज्य राम राज्य स्थापित होगा। राम राज्य का मीनिंग तो पता नहीं है मोदी जी को, अगर ऐसा राम राज्य के बोले कि हमें राम राज्य के राम मंदिर के नाम पे वोट दे रहे हैं, तो राम नाम के वोट देने वाले को 2000 का सिलेंडर दिया जाए। और आम पब्लिक 2900 का सिलेंडर कर दिया है आप लोगों के लिए उन्होंने। हाँ तो राम राम के नाम पे वोट देने वालों को 2000 में दिया जाए और आम पब्लिक को 1000 रुपए में दिया जाए, उनको धरातल पे पता चल जाएगा कि कौन कौन देना चाहता है, कौन नहीं देना चाहता है। तो राम के नाम पे वोट आप ही लोग तो देते हैं? नहीं देते हैं, ईवीएम देती है वोट, ईडी देती है, सीबीआई करता है, वो सब कुछ अपने तरीके से सिस्टम हैक करके कर रहा है। वही पब्लिक वोट उसको नहीं दे रही है, सिर्फ ईवीएम के फंडे से जीत रहे हैं और ईवीएम के फंडे से ही कर रहे हैं। फिर दो राज्यों में कांग्रेस कैसे आ गई? फिर अगर ईवीएम है क्या, राजस्थान की धरातल पे जाके पूछो, जनता से जाके पूछो कि राम राज्य का मतलब क्या होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सौ कहे तो ना राम राज्य क्या स्थापित किया, आप धरातल पे राजस्थान में आके घूमो, एक एक व्यक्ति से पूछो, पता चलेगा राम राज्य क्या होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने राम राज्य स्थापित किया, उसी से डर के उन्होंने आप लोगों को, अभी आप संसद की तरफ जा रहे थे, जाने भी नहीं दिया, आप लोगों को रोक दिया। ये तरीके का व्यवहार करा, यही लोकतंत्र की हत्या का सबूत है। जब से मोदी आया है वो लोकतंत्र की हत्या करता जा रहा है, संसद का घेराव करना सबका अधिकार है। और जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक देश की सुरक्षा नहीं होगी, और वो चीज करने नहीं दे रहे हैं मोदी जी, और देश को पूरा बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। और आने वाले 5-10 सालों में वो राम राज्य की जगह रावण राज्य स्थापित करके मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आप लोगों ने किस तरीके से महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है यहाँ पे, ये लोग संसद की तरफ जा रहे थे, इनको जाने भी नहीं दिया है। जो महिला जो पुलिसकर्मी थे उन लोगों ने उनको रोक दिया है, एकदम हाथापाई हुई थी, बहुत बुरी बुरी तरीके से। क्या कहेंगे आप लोगों को, संसद तक भी नहीं जाने दिया, रोक दिया गया वही, क्या कहेंगे हम लोग? इन लोग से थोड़ा अति कर सकते हैं क्या?
हम क्या कहेंगे आपको, संसद तक भी नहीं जाने दिया, रोक दिया गया वही महिला पुलिस कर्मियों द्वारा। इधर ही वाइंड अप करते हैं। देखा आप लोगों ने किस तरीके से, जहां मोदी बोलता है कि हम महिला को सबसे बड़ी जाति मानते हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, सिलेंडर के दाम कम कर दिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो महिलाएं किस तरीके से जूझ रही हैं इस भाजपा सरकार में, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग राशन नहीं खरीद पा रहे हैं, सब्जियाँ नहीं खरीद पा रहे हैं, इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है महिलाओं के साथ। भाजपा सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन था, ये लोग संसद तक जा रहे थे, इनको संसद तक भी नहीं जाने दिया गया। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा।